गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सभी यादव और आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो। गाइस आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेके आई उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून की वीडियो। जैसे कि मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाई थी बिकॉज मेरा ना एग्जाम चल रहे थे, काफ़ी दिन चले तो मैंने एक महीने ही उसमें गैप कर दिया था बिकॉज मेरे एग्जाम्स थे, तो मैंने इधर उधर ध्यान नहीं दिया। तो अब मैं बना रही हूँ अपनी नई वीडियोज़ क्योंकि मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं और मैं घर पर आ चुकी हूँ, तो मैं फ्री हूँ, तो मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाती रहूँगी। तो अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं रोज़ नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी। अब से उत्तरांचल नहीं बाकी देहरादून के कॉलेजेस की भी वीडियो आएंगी, रिव्यू वीडियोस, तो उसको देखने के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। या आपको कौन सा कॉलेज लेना है उस कॉलेज के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपको जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना है मैं उसकी वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए रिव्यू वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कौन से नए कॉलेज का रिव्यू चाहिए। सो गाइज फर्स्टली मैं ये बता देती हूँ कि मैं भी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून की ही स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ से अपना बीटेक सीएससी कोर कोर्स कर रही हूँ। तो मेरे को यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं, मैं फोर्थ ईयर में आने वाली हूँ। जैसे मेरे थर्ड ईयर के एग्ज़ाम सब ओवर हो गए हैं, मेरा 6 सेम के एग्ज़ाम थे तो वो ओवर हो गया, मैं फोर्थ ईयर में आने वाली हूँ। तो मेरा अभी 1 ईयर बचा हुआ है कॉलेज में एंड मेरे 3 साल यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप यहाँ पे आपकी कॉलेज लाइफ कैसी होने वाली है, या आपके आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या चीज़ अच्छी है यहाँ पे, क्या चीज़ बुरी है, क्योंकि रिव्यू वीडियो तो मैंने बहुत बना दी है। अब मुझे लगा कि कुछ और भी बताना चाहिए और बाहर की इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहिए कि आप बाहर कैसे रह सकते हो, कहाँ पर रह सकते हो, या हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हॉस्टल में, क्या क्या मिल जाता है, वो सब मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में बताऊँगी। एंड प्लेसमेंट फ़ीस वगैरह सब कुछ मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड अगर आपको पूरी टोटल फ़ीस चाहिए, आपको 4 साल में कितनी फ़ीस लगने वाली है, या 3 साल में कितनी लगने वाली है, 2 साल में कितनी लगने वाली है, उस चीज़ का भी आपको हर कोर्स की फ़ीस चाहिए तो मेरी स्क्रीन पे नंबर आपको शो कर दिया है 9389278109। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे यहाँ पे कॉल कर सकते हो। मैं आपका पूरा 4 साल जितने भी साल का आपका कोर्स है उसका पूरे साल का फ़ीस स्ट्रक्चर बना के आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगी। आप मुझे कॉल कर सकते हो कोई भी क्वेरीज़ के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, कोई भी डाउट है उसके लिए मुझे कॉल भी कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हो। तो मैंने स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर दिया है। गाइस कोई भी देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले तो आज की वीडियो में बिल्कुल ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी क्योंकि मैं बोलती रह जाती हूँ, फिर मैं चुप नहीं होती और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो हम जल्दी जल्दी आज सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि देहरादून प्रेमनगर में है। अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हो तो यहाँ आपको 7 to 8 किलोमीटर पड़ जाता है, बस स्टैंड से आते हो तो आपको 8 to 9 किलोमीटर्स पड़ जाता है ISBT से अगर आप कॉलेज तक पहुँचना चाहते हो। एंड वहाँ से आपको बस ऑटो सब कुछ ही प्रोवाइड हो जाता है तो आप ईजिली यूनिवर्सिटी तक पहुँच सकते हो। गाइस तो योगी लोकेशन की बात अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो आपको इस यूनिवर्सिटी में आने से पहले पता होनी चाहिए। तो गाइस देखो यहाँ पे आपको मेन चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जैसे ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि बच्चों को कॉलेज आना ही होता है। लाइक गवर्नमेंट में थोड़ा रिलैक्सेशन रहता है बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है कि कॉलेज आना ही पड़ेगा, आपको अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है बट आप अपनी 60% तक भी अटेंडेंस रखते हो तो आप बच जाते हो डिबार्ड होने से। अदरवाइज आपको 75 का बट आप 70 तो रखना ही, कहीं आप 60 सुनके और कम रखो तो आपको 70% तो अपनी रखनी है अटेंडेंस, 60% 70% तक रख सकते हो तो आप डिबार्ड होने से बच सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी डिबार्ड लगती है 1 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में तो आप नेक्स्ट ईयर उसको 1000 रुपीज़ पे करके आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। और अगर आपकी सारे ही सब्जेक्ट में डिबार्ड लग जाती है मान लो तो आपकी ईयर बैक लग जाती है, फिर आपको दोबारा करना पड़ता है। ऐसा करना कि आपको रोज़ के रेगुलर कॉलेज आना है, अपनी मेंटेन करके रखनी अटेंडेंस, 10% से नीचे तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए एंड आपको 60% तो रखनी ही है। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल ही डिबार्ड से बचना चाहते हो तो आपको 60% से कम अपनी अटेंडेंस नहीं रखनी है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ख़ासकर बीटेक वाले स्टूडेंट्स उनको ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करना है कि आपको अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी, क्योंकि मैं भी बीटेक में हूँ और हमारी बिल्डिंग माय डिपार्टमेंट है मैं काफ़ी ज़्यादा डिबार्ड होते हैं बच्चे, मैं भी कई बार हुई थी बिकॉज ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, कोई और रीज़न भी हो सकता है जिस वजह से वो कॉलेज नहीं आ पा रहे, बट ये सब आपको कैसे भी करके अपना सही करनी है अटेंडेंस। शुरू में
अच्छा खासा आप कॉलेज आओ, बिकॉज शुरू में आपकी जो अटेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी बढ़ती है, फिर बाद में जब आपकी अच्छी खासी अटेंडेंस हो जाए तो आप छुट्टी मार सकते हो। और मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ तो आप हफ्ते में 3 दिन कॉलेज आओ और 4 दिन छुट्टी मारो, तो आपकी 60% मेंटेन रहेगी। क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपने सारी क्लासेज ली, 5 क्लासेज ली, देन आपने थर्सडे फ्राइडे छुट्टी मारी, सैटरडे संडे तो वैसे ही कॉलेज ऑफ रहता है, तो ये आप 3 दिन कॉलेज आओ पूरी रेगुलर लो तो भी आपकी 60% अटेंडेंस मेंटेन रहेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे आप अपनी अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हो। तो ये हो गया पहला आपका यहाँ पे डिसएडवांटेज कि आपको यहाँ पे अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है। अगर आप ज़्यादा घूम फिरने वाले बच्चे हो तो आप यहाँ पे एडमिशन मत ही लेना, बिकॉज यहाँ पे आपकी अटेंडेंस मेंटेन रहनी चाहिए। बाकी गाइज यहाँ पे अभी कुछ 3 सालों से तो कोई फेस्ट होता नहीं था, बट इस साल फेस्ट हुआ। नेहा काकर, रोहन प्रीत, जूलिया ब्लेस, विजय जैमस, पता नहीं कौन कौन आई थे, फेस्ट हुआ था 2 दिन का, काफ़ी अच्छा फेस्ट था। उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा फेस्ट हुआ था। वैसे अभी तक फेस्ट नहीं हुए थे जब से मैं कॉलेज में आई हूँ, बट इस बार फेस्ट हुआ तो चांसलर सर ने भी बोला कि अब हम हर साल अपने बच्चों के लिए फेस्ट करवाएंगे, तो अब से रेगुलर ही यहाँ पे फेस्ट होने वाले हैं। मेरा तो 1 साल बचा है, मैं 1 साल बस इंजॉय कर सकती हूँ, उसके बाद तो मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, बट आप लोग बिल्कुल इंजॉय करना। तो यहाँ पे अब फेस्ट होने लगे, बट पहले नहीं होते थे, बट उतने भी नहीं होते, बट होते हैं, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ आ गई हो तो आज समझ लेना कि ठीक है, यहाँ पे फेस्ट हो जाते हैं, मतलब होएंगे, अब अभी तक तो खैर नहीं होते थे। ये 2 चीज़ें हैं। बाकी अगर आप इन्जॉयमेंट के लिए सोचो तो इतना कुछ इन्जॉयमेंट नहीं है, आपकी बस पढ़ाई वगैरह यहाँ पे अच्छी होती है, क्योंकि ऑफकोर्स कॉलेज में आप पढ़ने ही आ रहे हो। बाहर की लाइफ आपकी देहरादून की अच्छी है, आप बाहर काफ़ी इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप बाहर रूम या पीजी लेके रहते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स होंगे तो आप अच्छी अच्छी जगह घूमने जा सकते हो। तो बाहर की देहरादून की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पे रहने आ जाओगे, तो फिर आपका कहीं और जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। बिल्कुल यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो एंड अपना लाइफ इंजॉय कर सकते हो। कॉलेज में भी आपको अच्छा लगने वाला है एंड बाहर भी आपको अच्छा लगने वाला है। बस आप देहरादून में फ्रेंड्स बनाओ, बट ये है कि आप किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा ना करो, तो के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बस कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बाकी आप फ्रेंड्स बनाओ, अच्छा खासा घूमो फिरो, बस किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं करो कि आप आँख बंद करके किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो। बाकी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे आके, कॉलेज में भी एंड बाहर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, इतना अच्छा यहाँ पे मौसम रहता है। फिलहाल तो काफ़ी गर्मी थी देहरादून में, इस बार ठंड भी अच्छी खासी पड़ती है, पर आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। आपको बता दी कुछ चीज़ें, पता नहीं मैं कॉलेज की बात करते करते कहाँ पर पहुँच गई, सो यहाँ गई जी। मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी जो कॉलेज में मुझे लगा था, क्योंकि एक अटेंडेंस का मेन है वो मेरे लिए अटेंडेंस, क्योंकि अटेंडेंस आपको मेंटेन करके ही रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया। सो गाइज अब मैं बताती हूँ कि आपको कॉलेज में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो मैं आपको फैसिलिटीज़ बताऊँ तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाती है, काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी मिल जाती है, कंप्यूटर लैब्स मिल जाते हैं, जिम मिल जाता है। जिम काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कॉलेज में जिम है कि नहीं, तो कॉलेज में आपको जिम मिल जाता है, आपको यूनिसेक्स सैलून मिल जाता है, यहाँ पे सैलून भी है, आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ा, वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की भी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। वाईफाई कैंपस है जो कुछ जगह आता है कुछ जगह नहीं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। एंड हॉस्टल मिल जाते हैं आपको, कॉलेज में ही हॉस्टल मिल जाते हैं। तो कॉलेज की फ़ीस भी मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रही हूँ, आप देख सकते हो आपकी कितनी फ़ीस लगेगी अगर आप सिंगल बेड लेते हो, डबल लेते हो, थर्ड सीटर लेते हो या फोर्थ सीटर लेते हो, तो आपकी कितनी फ़ीस लगने वाली वो भी मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बाकी ओवरऑल कॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर आपको मिल जाएगा। सो गाइस कैंपस तो आपको काफ़ी ब्यूटीफुल मिलने वाला है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी ग्रीनरी, काफ़ी बड़ा कैंपस है, 100 acres का कैंपस एरिया है आपको उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में मिल जाता है। एंड अगर आप आते हो यहाँ पे विजिट करने, आपको देख के लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर यूनिवर्सिटी है। एंड गाइज अगर आप विजिट भी करने आते हो तो आप मुझे एक दिन पहले बता दो, तो मैं आपको विजिट भी इजीली करा दूँगी। गाड़ी मिलती है कॉलेज के अंदर, उसमें बिठा के सारे बच्चों को घुमाया जाता है। जो भी अगर आप विजिट करने आते हो तो मुझे एक दिन पहले बता दो, मैं आपको वहीं पे रिसीव करने आ जाऊँगी एंड आपको विजिट भी करवा दूँगी एंड आपका रजिस्ट्रेशन एंड ऑल सब कुछ ही हो जाएगा। तो या गाइज एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी परेशानी है, कोई भी आपके दिमाग में डाउट है जो लग रहा है आपको कोई क्लियर नहीं कर पा रहे, तो मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ तो मैं आपके डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूँगी। मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन पे नंबर शो कर रही हूँ, 9389278109, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप बेशक मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जो भी डाउट है वो लिख सकते हो, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगी, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है सब कुछ ही मैं आपको बता दूंगी मैसेज में कॉल पे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगेगा। एंड यहाँ पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ पे जा
जाके देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, तो वहाँ से आपका इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको कहीं इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। उत्तरांचल का जो मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो मैंने इस रजिस्ट्रेशन लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नेक्स्टली मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अगर आपको उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अगर आपको हॉस्टल नहीं लेना है, तो आप बाहर रूम वगैरह कैसे ले सकते हो। तो गाइज पीजी या रूम के बारे में बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो पीजी में ये है कि पीजी आपको 7-9,000 पर मंथ में मिल जाते हैं, जिसमें खाना भी इंक्लूडेड रहता है। एंड रूम्स आपको 3-5,000 तक प्रेम नगर में मिल जाता है, जो कि है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से 1 किलोमीटर दूर है प्रेम नगर। वहाँ पे आपको 3-5 हज़ार में रूम मिल जाते हैं। कहरी गाँव में आपको 5-6 हज़ार तक रूम मिल जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा 500 मीटर दूर है सिर्फ कॉलेज से, जो कि काफ़ी ज़्यादा पास है आपका पैदल का रास्ता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो रूम की रेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। बट ये है कि 5-6 हज़ार 4.5 ये तक आपको यहाँ पे कैरी गाँव में रूम मिल जाएंगे। फिर सैनिक कॉलोनी पड़ता है, वो भी 1-1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आपको काफ़ी सस्ते रीजनेबल प्राइस में रूम मिल जाते हैं। फिर सुद्धो वाला है, वहाँ पे भी आप ले सकते हो, वो भी आपको थोड़ा बहुत दूर पड़ेगा, 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से यूनिवर्सिटी से। गाइज फिर आपको नंदा की चौकी मिल जाता है, जो आपको 800 मीटर पे मिल जाता है यूनिवर्सिटी से, वो भी काफ़ी पास है, तो वहाँ पे भी आप रूम्स वगैरह ले सकते हो। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे आप रूम ले सकते हो। सो यहाँ गाइज ये हो गई रूम्स और पीजी की बात, इसमें कि आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको बेड मिल जाता है, एक्वा गार्ड मिल जाता है, गीज़र मिल जाता है नहाने के लिए एंड गर्म पानी के लिए, गीज़र, एक्वा गार्ड, बेड, अलमीरा, ये सब फैन वैन ये सब आपको प्रोवाइड होता है। अगर आप रूम या पीजी कुछ भी लेते हो तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये हो गया रूम पीजी की बात, और मैंने हॉस्टल की भी आपको फ़ीस वगैरह बता दी है। एंड हॉस्टल में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, एज़ यू गाइज नो, गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, बॉयज़ के लिए भी। एंड मैं हॉस्टल की भी पूरी एक पर्टिकुलर वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगी जल्दी ही, उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि क्या इन टाइम है क्या आउट टाइम है, वो सब भी मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। हॉस्टल में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस मिल जाती हैं, बाहर रहते तो आपको रिस्ट्रिक्शंस इतनी नहीं मिलती हैं, आप अपना आराम से रह सकते हो और जो ठीक लगता है वो आप कर सकते हो। ये तो आप फर्स्ट ईयर में हॉस्टल ले सकते हो, फिर सेकेंड ईयर से आप चेंज कर सकते हो अगर आप दूर से आ रहे हो। जैसे मैं तो हरिद्वार से थी, तो मैंने शुरू में ही रूम लिया था, मैं तब से रूम में ही रहती हूँ। फिलहाल मेरे को 3 साल हो गए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप आराम से अपनी रह सकते हो। मेरे साथ मेरी फ्रेंड रहती है, हम लोग काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स हैं, तो प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, हम 3 साल से ही रूम में रह रहे हैं। तो जो आपको ठीक लगता है वैसा आप करो, जो आपके पेरेंट्स कहते हैं उसका उस तरह से आप करो। आपको हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल लो, पीजी या रूम जो भी लेना है वो आप ले सकते हो। ठीक, सो यहाँ गाइस मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। एंड गाइस अगर आपको फ़ीस जानी है तो मैंने आपको स्क्रीन पे नंबर दे दिया अपना, आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप करके मुझसे फ़ीस पूरी अपनी 4 साल 3 साल 2 साल जितने भी साल का आपका कोर्स है उसकी पूरी फ़ीस पूछ सकते हो। रजिस्ट्रेशन लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। गाइस अगर आप प्लेसमेंट पूछते हो तो प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी की अच्छी है, 80-85% बच्चे प्लेसमेंट हो जाती है बच्चों की। अब वो कुछ बच्चे रह जाते हैं जो पढ़ते नहीं है या घूमने फिरने मौज मस्ती में लग रहे थे, तो उनकी कोर्स प्लेसमेंट नहीं हो पाती, वरना ऑलमोस्ट सबकी हो जाती है, लाइक 80-85% बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है, अच्छी खासी ठीक ठाक सही सही प्लेसमेंट हो जाती है। एंड या गाइस प्लेसमेंट भी सही है एंड फीस मैं आपको बता दूंगी, आप पूछोगे तो जब व्हाट्सअप कर देना तो मैं आपको बता दूंगी। रजिस्ट्रेशन लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, तो आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। या गाइस ये थी मेरी वीडियो, एंड गाइस नेक्स्टली मैं आप वीडियोज़ बनाऊंगी क्यू एन ए पे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिख के मैं सबके ही रिप्लाई करूंगी। तो आप मेरी इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जो कि ऑलमोस्ट वैसे सबके रिप्लाई करूंगी, तो आप अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करूंगी विद नेम्स। एंड या गाइस ये थी मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड हम फिर मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में ही, तब तक के लिए बाय एंड आई लव यू गाइस सो मच, बाय।